हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होट ट्रिपल वन फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टीकल्चर लेक्चर नाइंथ प्रोपोगेशन मेथड बडिंग बडिंग द मेथड इन विच बर्ड शायन इज अप्लाइड टू द रूट स्टॉक इन सच ए माइनर दैट बोथ आर ज्वाइंटेड एंड टू फॉर्म ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड बडिंग बडिंग क्या होता है हिंदी में इसको कलीकायन कह देते हैं चश्मा चढ़ाना भी कह देते हैं कई बुक्स के अंदर लिखा रहता है तो एक्चुअल में जो बडिंग है इसमें क्या होता है कि आ, वैसे तो प्रोपोगेशन जो प्रवर्धन है उसकी एक विधि है कायिक प्रवर्धन कह लो जहाँ वानस्पतिक जो प्रवर्धन है उसकी उसका मेथड है ठीक है एस एक्सुअल का तो इसमें जो सायन होती है ठीक है वो एक बर्ड होती है उसको रूटस्टॉक के ऊपर इस प्रकार चिपकाया जाता है जहाँ कह लो कि उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन कह लो जुड़ जाते हैं दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं और वो बड वाला पार्ट वहाँ से ग्रोथ करने लग जाता है और एक नए पौधे का निर्माण होता है मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से दो चीज़ एक तो साइन और एक रूट स्टॉक दोनों को मिलाकर बांध दिया ठीक है उसके बाद नए पौधे का निर्माण हुआ बडिंग और ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में भी साइन यूज होता है ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि उसमें जो साइन होता है वो एक पूरी टह, टहनी होती है एक शाखा होती है इसमें एक कली ली जाती है उसकी बडिंग में ठीक है इसमें इसीलिए इसको कली कायन कहा का जाता है कि कली को उसके ऊपर चिपकाना कली लगाना ठीक है तो कली जो बडिंग है इसकी आपको डेफिनेशन समझ में आगे होगी कि भाई द मेथड इन विच बर्ड जो है साइन ली बोल सकते हो उसको इज अप्लाइड टू द रूट स्टॉक इन सच ए मैनर दैट बोथ आर जॉइंटेड मतलब दोनों जुड़ जाए प्लांट इज कॉल्ड बड़े ठीक नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन विच द बर्ड इज प्लांटेड एंड विच फॉर्म द रूट सिस्टम इज कॉल्ड रूट स्टॉक याद रखना कई बार जो सायन है या बर्ड है इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं या फिर कई बार रूट सिस्टम जो रूट स्टॉक होता है उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रूट स्टॉक क्या होता है तो ठीक है तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के जो प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कली कायन या एक्स एक्सुअल प्रोपोगेशन होती है जिसमें भी अलैंगिक जनन होता है ठीक है उसके अंदर जो उसका पार्ट पौधे का जिसको यूज किया जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स के लिए जैसे फूल लगना या फल आना उनके लिए जब जो उसका प्रो तंत्र सॉरी ऊपर वाला प्रो तंत्र होता है उसका निर्माण करता है ठीक है वो सायन कहलाता है यानी कि पौधे का ऊपर वाला भाग जो एयर में रहता है वो सारा का सारा भाग सायन डेवलप करता है सायन से तैयार होता है ठीक है उस पार्ट को सायन कहते हैं और जो रूट सिस्टम तैयार करता है मतलब जो नीचे वाला जड़ वाला भाग होता है या जड़ तैयार होती है जिससे ठीक है न्यूटेंट लेने का काम सारा जड़ों का होता है तो वो जड़ वाला जो भाग होता है वो जो तैयार होता है जिससे वो रूट स्टॉक से होता है रूट स्टॉक कहलाता है वो ठीक नॉर्मली बर्डिंग शुड बी डन इन स्प्रिंग मतलब जो बडिंग होती है की जाती है ज्यादातर वो बसंत के मौसम में यानी कि मार्च अप्रैल के अंदर समर गर्मी के अंदर भी करते हैं है, मई जून में और रेनी सीजन जुलाई सितंबर के अंदर भी बडिंग की जाती है ज़्यादातर सर्दी में कम करते हैं बडिंग की प्रेशन बहुत ही कम प्लांट्स के अंदर बडिंग सर्दी के अंदर होती है एट दिस टाइम द फ्लो ऑफ द सेप इन प्लांट इज मोर और इस समय पौधे के अंदर जो रस होता है मतलब जो छाल है और उसका जो मेन लकड़ी है कास्ट है उसके बीच में एक कैम्बियम पाया जाता है कैम्बियम के अंदर ये कह लो कि वो चिपचिपा उस समय ज़्यादा होता है उसमें रस ज्यादा होता है उस समय नीचे ठीक है दोनों अलग अलग हो चुके होते हैं मतलब छाल अपने आप ही उस मेन जो स्टेम है उससे अलग हो जाती है अगर उसको काटा जाए तो छाल उस लकड़ी जो बीच बीच वाली लकड़ी रहती है व्हाइट कलर वाली दिखाई देती है ना कभी कभी छिलका उतारो कच्ची लकड़ी कच्ची कोई आपकी टहनी है तो उसका छिलका उतार देते हैं ऊपर से छिल जाती है छाल उतार देते हैं तो उसकी जो लकड़ी दिखाई देती है वो दोनों मतलब आसानी से अलग हो जाती है उस टाइम उसमें जो सैप का फ्लो होता है मतलब उसके रस का प्रवाह होता है वो ज्यादा होता है एट दिस टाइम देयर इज फ्रिक्वेंट सेल डिवीजन इन द कैम्बियम सेल इस समय जो कैम्बियम होता है कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो लेयर यानी कि जो बीच वाली लकड़ी है और उसका जो ऊपर वाला छिलका है ठीक है उसके बीच में एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसको कैम्बियम कहते हैं इसमें सेल डिवीजन हो रहा होता है उस समय मतलब ये बार बार विभाजित हो रही होती है ठीक है मेन रोल होता है बडिंग के अंदर इसी चीज का कैमियम का तो उस समय वो डि ज्यादा डिविजन कर रही होती है इन सीजन के अंदर स्प्रिंग के अंदर समर के अंदर और रेनी सीजन में ज्यादा वो आ, बार बार विभाजित हो रही होती है सो दैट द बर्ड स्टिक क्विकली टू द रूट स्टॉक इसलिए जो बर्ड होती है या कली होती है वो आसानी से या जल्दी जो रूट स्टॉक है उसके ऊपर चिपक जाती है मतलब उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता चिपकने के लिए टाइप्स ऑफ बडिंग बडिंग है वो शील्ड बडिंग जिसको आप टी बडिंग भी कह देते हो इन्वर्टर टी भी कह देते हैं आई बडिंग भी कह देते हैं शेप के हिसाब से इसके अलावा पेच बडिंग होती है ठीक है चिप बडिंग होती है रिंग बडिंग होती है मोडिफाइड रिंग भी होती है और फोरकर्ट बडिंग होती है इसके अलावा मोडिफाइड फोरकर्ट बडिंग होती है मतलब ये मेन मेन जो टाइप है वो है इसके अलावा बहुत से किताबों के अंदर बहुत से टाइप अलग अलग दिए हुए होते हैं पर मेन मेन ये हैं जिनको ज्यादातर पूछा जाता है ठीक है शील्ड पेज क्लिप रिंग मॉडिफाइड रिंग कार्ड और फोर कार्ड पहला है टी बडिंग द पेंसिल थिकन रूटस्टॉक हैविंग वन टू तो टू ईयर ओल्ड शुड बी सिलेक्टेड फॉर बडिंग जो बडिंग करते हैं उसके लिए जो रूट स्टॉक रूटस्टॉक मतलब पहले मैं चलो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ रूटस्टॉक क्या होता है जो एक पहले एक पहले बीज से बीजू पौधा तैयार किया जाता है नर्सरी के अंदर ठीक है तो वो एक देसी किस्म का होता है ज्यादातर ठीक देसी किस्म जैसे अपने किन्नू के ऊपर ही लेके चलते हैं तो इसके लिए जट्टी खट्टी या करना खट्टा को बीज से तैयार कर लिया जाता है ठीक है उसके बाद क्या करते हैं उस जब वो एक से दो साल पुराना होता है मतलब कच्चा ही होता है वो पौधा उसको पहले पॉलीथीन में शिफ्ट कर लेते हैं उसके बाद उस को एज ए रूट स्टॉक यूज किया जाता है ठीक है जब वो पेंसिल की थिकनेस का हो जाता है क्योंकि उसमें कट लगाना बर्ड निकालना आसानी से हो सकता है ज़्यादा पतला होता है तो उसमें निकालना मुश्किल हो जाता है बडिंग करना ठीक है तो कली निकालना या चिपकाना उसमें मुश्किल हो जाता है तो एक साल लगभग या दो साल पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है then make a incision shaped english word t at root stock between the center of the two nodes at a height of about 10 to 25 cm ठीक है due to t shaped incision therefore called t body तो जो रूट स्टॉक लिया आपने एक वो लिया मान लो कि जो आपने पौधा लिया बीजू पौधा लिया उस देसी किस्म के ऊपर अपने जो दो नोड होती हैं या दो कलियां होती हैं कलियों के बीच में एक टी शेप का कट लगा लेते हैं बडिंग नाइफ से बडिंग नाइफ नीचे शो हो रहा होगा ठीक है इसका जो वाली साइड दिखाई दे रही है ठीक है वो तो बडिंग नाइफ है और दूसरी साइड जो इसकी उल्टी साइड है वो ब्लैडर कहलाता है याद रखना ये वैसे मैं तुम्हें लैब में दिखाऊंगा ठीक है जैसे ही अपने ऑफलाइन होती है क्लासेज तो उस बाग को इसका ब्लैडर कहते हैं उस बाग से उससे जो छाल कट लगाने के बाद छाल को ढीला किया जाता है तो पहला क्या कहते हैं कि नोड दो नोड के अंदर बीच में टी आकार का कट लगा लिया ठीक है उसके बाद जो कट लगाया जाता है उसके वो कट लगभग दस से पच्चीस सेंटीमीटर ऊंचाई पे लगाया जाता है मतलब जो उसका बेस है ग्राउंड है जहाँ पे उससे दस से पच्चीस सेंटीमीटर के बीच में वो कट लगाया जाता है टी आकार का ठीक है दो नोड के बीच में तो इस इंसिसन जो कह जी जो एक कट लगाया है टी आकार का इसी के कारण इसका नाम टी बडिंग है ठीक है और इसको शील्ड बडिंग भी कह देते हैं क्योंकि जो कली ली जाती है वो ढाल के आकार की होती है शील्ड मतलब ढाल उसको बोट भी कह देते हैं नाव नाव के आकार की नाव का शेप सेम होता है ढाल की तरह ठीक है।, है तिकोना सा कुछ आगे वाली पिक्चर में होगा तो मैं दिखाऊंगा और अगर यही कट उल्टा लगाया जाए मतलब उल्टा टी हो नीचे की साइड टी बनता हो उल्टा तो इसको इन्वर्टेड टी कटिंग टी बडिंग कहेंगे अगर ये आई शेप का हो तो आई बडिंग कहलाएगी मतलब कट लगाने के ऊपर है कि आप उसका क्या नाम देना चाहते हो प्रोसेस सेम रहती है वही शील्ड जो है आपकी कली वो उसी शेप में ली जाती है और कभी कभी ये एच आकार में भी लगाया जाता है तो इसको एच बडिंग कह देती हैं ठीक है कंफ्यूज नहीं होना बस सेम अपने को प्रोसेस लिखनी है कि भाई उसमें एच आकार का कट लगाया जाता है इतनी ऊंचाई पे दो नोड के बीच में और सेम आफ्टर मेकिंग द इंसेशन द बार्क ऑफ द इंसेशन इज लूजन फ्रॉम लूजन फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द बर्डिंग नाइफ कार्ल ब्लेडर जो उसका पीछे वाला भाग होता है जैसे मैंने चक्ू में बताया था चक्कू दिखाया हुआ है पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा तो उसका जो पीछे वाला भाग है ब्लेडर इससे छाल को ढीला किया जाता है ये ब्लेडर ज़्यादा तीखा नहीं होता चक्कू तो आगे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत तीखा होता है इसके कारण जो छाल होती है वो फटने का डर रहता है तो ब्लेडर तीखा नहीं होता ठीक है इससे आराम से छाल को ढीला किया जा सकता है नाव द नाओ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द पेंसिल थे इम्प्रूव्ड वराइटी फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो सेंटीमीटर लॉन्ग बट ऑफ बॉट और शील्ड शेप इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ ए वुडन पीसेज इज केयरफुल्ली रिमूव फ्रॉम द बैक ऑफ द बर्ड इसके बाद क्या करते हैं कि जो नई किस्म का जे मान लो कि जैसे मैं मैंने पहले बताया था कि करना खट्टा अपने रूट स्टॉक उगा लिया अब उसके ऊपर अपने बर्डिंग करनी है किन्नू की तो मेन किन्नू वैरायटी है ठीक है अपने आप में तो किन्नू का अपने ये कह लेंगे कि एक अच्छा मदर प्लांट से एक शाखा ले लेंगे लगभग पेंसिल थिक जो भी है उतनी मोटाई की जितना वो रूट स्टॉक है उसमें से अपने एक कली को निकालेंगे कली की लंबाई लगभग ढाई से साढ़े तीन सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए वो कली ठीक है चक्कू की सहायता से निकाल लेते हैं प्रैक्टिकल में मैं कि कैसे लेते हैं इस कली को ठीक है तो कली को ले लिया जाता है वो उसकी जो शेप होगी वो बोट या शील्ड आकार की होगी ठीक है उस कली की क्योंकि चक्कू से जब भी लेंगे ना एक साइड से अपने आप ही तीखी हो जाएगी और नीचे की साइड कट लगा के काट के निकालेंगे नीचे की साइड तो वो आ, बोट का जो ना जो शील्ड है उसका आकार बन जाएगा आफ्टर इंसेशन इंसर्टिंग बर्ड इनटू ए टी shaped incision ऑन rootstock the incision is इज टाइड टू ए थ्री हंड्रेड गेज पोलिथीन स्ट्रिप और टेप लिविंग द बर्ड एक्सपोज जैसे ही अपने बडिंग कर दी ठीक है पिक्चर में देखते रहना पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें पहले वाली जो पिक्चर दिखाई दे रही है इधर नीचे वाली ठीक है इसमें उसमें टी आकार का पहले शेप का कट लगाया उसके बाद उस शाल को ढीला किया हुआ है पहले वाली में दूसरी वाली में कली निकाली हुई है बड उसकी क्या कहते हैं कि अपने शील्ड आकार की ठीक है इसको शील्ड कहा गया है अब शील्ड देख लो कैसी होती है जो तीसरी पिक्चर इसमें छोटा सा कली सी दिखाई दे रही है वो फिर उसको टी आकार की जो अपने ढीली की थी शाल उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जो लास्ट वाली पिक्चर में भी शो हो रहा होगा आपको ढंग से दिखाई दे रहा होगा ग्रीन सी कलर वाली जो पिक्चर है ठीक है उसके बाद उसको टेप से बांध दिया पोलिथीन की स्ट्रिप्स टेप भी आती है आजकल बनी बनाई नहीं तो स्ट्रिप्स बना ली जाती है पॉलीथीन को काट के उससे भी आप बांध सकते हो कि उसका कोई भाग खुला ना रहे उसको हवा ना लगे ज्यादा ठीक है टेप बांधते समय भी काफी सावधानी रखी जाती है टेप को हमेशा ऊपर से नीचे की साइड बांध नीचे से ऊपर की साइड बांधा जाता है ठीक है कि पानी उसके अंदर ना घुसे बर्ड के अंदर ना जाए ठीक है कि भाई जो टेप है उसके ऊपर 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 जाती रहे उसके जो भी जॉइंट रहते हैं ऊपर की साइड खुले ना रहे टेप के ठीक है उल्टी साइड से लगाई जाती है तो लगभग थ्री हंड्रेड जो तीन सौ गेज का पोलीथिन की शीट होती है उससे भी इसको स्टिप्स को बनाया जा सकता है ठीक है दिस मेथड इज बेस्ट इन प्लांट्स विच थिन बार्क और जो ये मेथड है टी बडिंग वाला ज़्यादातर जो थिन बार्क होती है जिनकी पतली शाल होती है उन पौधों के लिए ज़्यादा सुटेबल है उन पौधों में जैसे गुलाब है एप्पल है सेब नाशपाती है आड़ू है वॉलनट, अखरोट है या अंगूर है ऐसे पौधों में इन इस विधि से बडिंग की जा सकती है नेक्स्ट मेथड है पेच बडिंग पेच चलो अपने देखते हैं क्या होता है दिस मेथड ऑफ बडिंग इज मोर यूजफुल इन ट्रीज विद थिक बार्क जिन पौधों के अंदर जो छिलका छाल होती है वो मोटी होती है ठीक है लकड़ी से ऊपर मोटी छाल लगी रहती है उन पौधों के लिए ये सुटेबल विधि है तो इसमें करते क्या है वैसे तो पेच से याद रखना कि बस पेच लगाना उसके ऊपर एक सीधी की सीधी पट्टी काटना आकार किसी भी आकार की उसको उसके ऊपर वैसे ही आकार का आ, कट लगा के उसमें से छाल निकाल के उसके ऊपर चिपका देनी वैसी कली वैसे ही उसमें कट ठीक है तो पेज तो इसमें करते क्या है फॉर बर्डिंग ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप बर्ड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सान मतलब जो बर्ड ली जाती है वो या तो स्क्वायर आकार की होती है मतलब वर्गाकार या आयताकार कली ली जाती है जैसे पेज विद बर्ड लिखा हुआ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है वैसी आ, कली जो ऐसी कली ली जाती है मतलब एक चकोर इसमें शील्ड आकार की नहीं एक आयताकार आकार की कली ली, ले ली जाती है और वैसा ही कट उतनी ही लंबाई और चौड़ाई का कट आ, रूट स्टॉक पे भी लगाया जाता है ठीक है और उसकी शाल को निकाल दिया जाता है उसके बीच में जो शाल है उसको निकाल दिया जाता है और कली को उसके अंदर फिक्स किया और ऊपर से पॉलीथीन की स्ट्रिप से बांध दिया और जो कली का मुंह होता है जहां से वो ग्रोथ करने वाली होती है उस जगह को खाली रखा जाता है एक्सपोज रखा जाता है मतलब दिखाई देता रहना चाहिए कि वो ग्रोथ कर सके उसके ऊपर टेप नहीं बांधी जाती ठीक कुछ केस के अंदर ऐसे इसके लिए कुछ स्पेशल चक्कू भी बने हुए रहते हैं मतलब जो नाइफ होते हैं वो बने बनाए जाते हैं जिससे कि एक जैसा कट लगाया जा सके एक ही लंबाई का एक ही कली को भी वैसा ही लिया जा सके एक तो आपको पिक्चर में नीचे शो हो रही हो ही रहा है इसके अलावा एक और भी आता है जैसे अपनी कोई सील होती है ना जैसे अपने कोई ये लगाते हैं पैड लगाते हैं सील ठीक है जैसे किसी प्रिंसिपल की सील लगाई वो वैसा ही बना बनाया आता है एक उसमें चक्कू होते हैं सील किनारों पे उसके बल बिल्कुल वैसी ही कड़ी वो ऐसे लगाई कड़ी निकल गई साथ में आ गई और वैसा ही कट उसके ऊपर लगाया वो वहाँ से शाल निकल गई और वैसी उसके ऊपर कड़ी चिपका दी मतलब बिल्कुल सेम साइज़ की नहीं तो दूसरी चक्कू ये भी आती है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है नहीं तो तीसरा जो सिंपल वाला चक्ू था बडिंग नाइफ था पिछली पिक्चर में था वो यूज़ किया जाता है बडिंग नाइफ के ऊपर याद रखना एक कट होता है हमेशा चक्कू को देखना थोड़ा ध्यान से एक तो नॉर्मल चक्कू होते हैं अपने घर पे वो कुछ सिंपल से होते हैं इसमें ऊपर कट लगा हुआ है एक ठीक है चांद सा बना हुआ ये कह लो एक तरीके का घुमावदार सा होता है जो दूसरा चक्कू होता है ग्राफ्टिंग नाइफ होता है वो बिल्कुल सिंपल चक्कू जैसा होता है उसमें ये आगे से तीखापन सा नोकीलापन नहीं होता ठीक है नेक्स्ट जो इसमें ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं किस किस फल के अंदर तो जैक फ्रूट के अंदर यानी कि कटहल के अंदर आंवला जो है आंवला जिसको कहते हो ठीक है उसके अंदर मैंगो के अंदर आम के अंदर या कुछ बेरीज के अंदर इस विधि से बडिंग की जाती है नेक्स्ट तीसरा मेथड है क्लिप तो सॉरी चिप बडिंग चिप जनरली इन प्लांट्स इन विच सैप फ्लो इज़ वेरी लो एंड द बार्क कन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड फ्राम वुड दिस मैथड इज़ यूज मतलब कुछ पौधों के अंदर क्या होता है कि जो सैफ का फ्लो होता है जो रस मैंने बताया था कैम्बियम के पास में रहता है चिपचिपासा पदार्थ शाल को और लकड़ी को अलग करता है वो कई पौधों के अंदर कम होता है जहाँ किसी सीजन के अंदर कम रहता है तो उस कंडीशन के अंदर चिप बडिंग यूज की जाती है ठीक है मतलब उसमें से छाल को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता इन दिस मैथड द रेक्टेंगुलर बर्ड अलॉन्ग विद वुड इज रिमूव फ्रॉम द सान शूट इसके अंदर करते क्या है जैसे आपने पहले वाली बडिंग थी इससे पेच बडिंग सेम वैसी ही कली मतलब लकड़ी के साथ ही ले ली जाती है उसमें तो अकेली छाल छाल लेते हैं कली के रूप में इसमें लकड़ी तक अंदर तक खड्डा कर लेते हैं मतलब ये कह लो लकड़ी भी साथ में ले लेते हैं आयताकार वैसी ही शेप की कड़ी ली है और वैसा ही खड्डा गहरा खड्डा उसके अंदर रूट स्टॉक के अंदर बना लेते हैं उतना ही लंबाई चौड़ाई का और बड को फिट किया और ऊपर से पॉलिथीन की स्क्रिप्ट से बांध दिया ठीक और जो ये मेथड है ज़्यादातर दिस मेथड इज़ आल्सो यूज इन डोरमेंट स्टेज ऑफ द प्लांट यानी कि जब पौधा सुसुप्त अवस्था में होता है मतलब सर्दी के अंदर ज़्यादातर यानी कि उस समय पौधे ज़्यादातर सुप्त अवस्था में चले जाते हैं डोरमेंट क्योंकि पत्तियां झाड़ देते हैं और सारा का सारा जितना भी आ, स्टोरेज फूड होता है वो उसी पे जिंदा रहता है पौधा उसके अंदर होता है जैसे ही बसंत ऋतु आती है पौधे फूटान लेना स्टार्ट करते हैं ठीक है ज़्यादातर जो टेम्परेट फ्रूट हैं वो ऐसे ही कंडीशन में रहते हैं जहाँ ऐसे ही होते हैं उनका बिहेवियर तो डोरमेंट होते हैं वो या फिर जो फाइलोजेरा इंसेक्ट है ग्रेप्स के अंदर उससे बचाव के लिए उसको डोरमेंट सीजन के अंदर बडिंग की जाती है वैसे तो हार्डवुड कटिंग की जाती है ग्रेप्स के अंदर याद रखना उसका कमर्शियल मेथड हार्डवुड कटिंग है पर ग्रेप्स के अंदर बडिंग भी की जा सकती है ठीक है तो फाइलोजेरा जो इंसेक्ट है वो छाल से फैलता है तो डोरमेंट सीजन के अंदर वो इंसेक्ट का अटैक नहीं रहता तो उसको आसानी से छाल को लिया जा सकता है डोरमेंट सीजन में उसकी बडिंग कर देते हैं दिस मेथड ऑफ बडिंग इज सुटेबल फॉर एप्पल पियर ग्रेप्स इन फरवरी मार्च फरवरी मार्च के अंदर के लिए ये मेथड सुटेबल है ग्रेप्स और सेब और नाशपाती के लिए बडिंग में कुछ ऐसा होता है पहली जो ए वाली पिक्चर है इसमें आपको गहरा दिखाई दे रहा है ठीक है ये मतलब रूट स्टॉक लकड़ी के सॉरी जो साय, जो कली है वो लकड़ी के साथ में ही ली है वैसा ही कट सेम कुछ खास अंतर नहीं है बेच जैसा ही है बस इसमें लकड़ी साथ में लेते हैं उसमें लकड़ी नहीं लेते मैथड है? है ये आलू बुखारा है आड़ू है जहाँ शहतूत है उसके लिए बेस्ट मैथड है जहाँ बेरी के लिए जो बेर है ठीक है उसके लिए भी सुटेबल मैथड है इन विच द रिंग शेप बर्ड ऑफ इज केयरफुली टेकन from the cyan branch. The length of the bud should be 2.5 to 3 टू जो कली ली जाती है वो रिंग आकार की ली जाती है पहले क्या करते हैं जो रूट आ, कली लेते हैं जब जिस भी पौधे से तो उसको अ नीचे से कट शाखा काटी और कली के पास तक काट ली फिर उसके बाद कली जितनी भी लंबाई की लेनी है मतलब ढाई सेंटीमीटर से तक लेनी है को ठीक है तो कली की बिल्कुल वैसी ही रिंग के आकार की मतलब उसमें से कोई कट नहीं लगाया बिल्कुल एक ऊपर कट लगाया छल्ले के आकार की अपने कली उतार ली ठीक है और बीच में जो कास्ट रहती है लकड़ी रहती है उसको सेम वैसा का वैसा ही रहने दिया जाता है ऊपर से कली उतार लेते हैं और वैसा ही उतनी ही लंबाई चौड़ाई का रूट स्टॉक जो होता है उसको हेड एंड बैक करके ऊपर से लगभग दस से पच्चीस सेंटीमीटर के बीच में से हेड एंड बैक कर देते हैं पहले तो ऊपर से काट देते हैं पौधे को ठीक है रूट स्टॉक को फिर उसके बाद उस जगह से जितनी मोटाई की वो कड़ी है ठीक है उतनी ही मोटाई की जो छाल है लंबाई चौड़ाई की छाल को उतार देते हैं फिर उसके ऊपर वो पोपला जो होता है कैप होता है वैसा का वैसा उसके ऊपर फिट कर देते हैं ठीक है ये थोड़ी टिपिकल मेथड है इसमें गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल फिट होनी चाहिए और इसको धीरे धीरे जेंटली पुश करते हुए नीचे उसको फिट करना चाहिए बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए जो कली को फिट करते हैं ठीक है तो इसको मैं वैसे प्रैक्टिकली आपको ही होती कैसे है और वैसे पिक्चर में देख के आप समझ भी गए होंगे कि होता क्या है एक्चुअल में ये ठीक है कीप इन माइंड दैट वाइल अपलाइंग द बर्ड देर शुड बी नॉट बी एनी एयर और एनी एमटी स्पेस इन इट मतलब इसके बीच में एमटी स्पेस या एयर नहीं रहनी चाहिए जब बर्ड को अपने उसके ऊपर फिट करते हैं द शुड स्टिक ऑन द रूट स्टॉक और मतलब ढंग से चिपक जानी चाहिए दिस मैथड डज़ नॉट रिक्वायर द बर्ड टू बी टाइट विद ए पोलीथीन स्ट्रिप और टेप मतलब उसको जो कली को किसी पॉलीथीन स्ट्रिप या फिर टेप से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती कली अपने आप ही उसके ऊपर चिपक जाती है इसके कुछ ड्रॉबैक है इसलिए इसको मॉडिफाइड किया है मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग दिस मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ रिंग बर्डिंग बिल्कुल सेम मेथड है फॉर बट फॉर कॉन्वेंस इन दिस मेथड द बर्ड इज टेकन ऑफ विद ए वर्टिकल स्लेंट इन द बर्ड वुड फ्रॉम द साइन शूट और जो इसमें अंतर क्या है दोनों में रिंग बर्डिंग और इसमें इसमें एक जब बड उतारी जाती है ना उसमें एक स्लांटिंग कट लगा देते हैं एक पीछे कट लगा देते हैं ये पूरा रिंग नहीं बनाते ठीक है पीछे कट लगा लिया जाता है जिससे कि एक तो कली को उतारना भी आसान रहता है फिर उसके बाद जो रूट स्टॉक है उसके ऊपर लगाने के लिए अपने को रूट स्टॉक को ऊपर से काटने की ज़रूरत नहीं है रूट स्टॉक के बीच में सेंटर में भी इस कली को लगाया जा सकता है और कली को छोटा बड़ा किया जा सकता है जिस साइज़ का अपने रूट स्टॉक की मोटाई है उसके हिसाब से ठीक विधि बिल्कुल सेम है वैसे ही रिंग है इसमें भी छाल चारों तरफ से निकालते हैं उस जो लकड़ी है उसके ऊपर से जहाँ उस तने से ठीक है सच बर्ड कैन बी अप्लाइड इन द रूट स्टॉक मिदल विदाउट कटिंग रूट स्टॉक फ्राम अव आफ्टर फिक्सिंग बट टू द रूट स्टॉक इट इज़ टाइड विथ पॉलीथीन टेप इसमें पॉलीथीन की टेप से बांधने की जरूरत पड़ती है पहले वाले में बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो अपने आप में ही राउंड थी पूरी पूरी फिक्स थी अब इसमें पीछे से खुली हुई ओपन है तो बर्ड उतरने के चांस रहते हैं तो उसको टेप से बांध देते हैं और जो भी खाली जगह पीछे बच जाती है ऊपर जा नीचे बच जाती है साइड में वहां वैक्स बढ़ दी जाती है वैक्स एक मोम लो ठीक है पिघला के उस मोम को डाल दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट है फोर कर्ट बडिंग इन दिस मेथड ए रेक्टेंगुलर बड टू टू थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग एंड जीरो पॉइंट फाइव टू वन सेंटीमीटर एक रेक्टेंगुलर लगभग दो से तीन सेंटीमीटर तो लंबी और आधे से एक सेंटीमीटर चौड़ी कली को लिया जाता है सायन से ठीक है सायन जो शाखा है उससे एंड इंसिशन ऑफ द सेम साइज इज आल्सो मेड ऑन द रूट स्टॉक ऐसा ही इंसिशन ये कह लो जाए ऐसा ही कट आयत के आकार का उतनी लंबाई चौड़ाई का आ, रूट स्टॉक पे भी लगाते हैं इसमें क्या करते हैं रूट स्टॉक के ऊपर तीन साइड से कट लगाया जाता है मतलब नीचे से जो छाल है उसको काटा बिल्कुल काट के हटाया नहीं जाता का छाल को उसके साथ ही चिपके रहने दिया जाता है मूल व्रंथ के साथ में ठीक है आफ्टर स्टिकिंग द बर्ड इन द कट ऑफ द रूट स्टॉक द बर्ड इज कवर्ड ऑफ रेपर्ड विद ए बार्क अटैच टू द बॉटम एंड टाइट विद पॉलीथिन टेप और जैसे ही जो आपने उस कट के अंदर बर्ड डाल दी मतलब छाल को ढीला कर लिया नीचे की साइड लटका लिया उसके अंदर बर्ड डाल दी उसके बाद ठीक है नीचे की तरफ छाल की उसमें बर्ड डाल दी और उसको ऊपर किया वापिस कवर वापिस किया और ऊपर से फिर पॉलिथीन से बांध दिया जैसे ही लगभग थोड़े दिनों बाद आपको लगता है कि इसका जूनियन कंप्लीट होगी होगी मतलब वो जुड़ गया होगा उसके साथ चिप गई होगी कली तो इसको जो ऊपर वाली छाल होती है और ऊपर टेप बंधी हुई रहती है इसको हटा दिया जाता है कि वो कली ग्रोथ कर सके ठीक है जब तक ये टेप बंधी रहेगी या फिर इसके ऊपर जो आ, शाल ढकी रहेगी तब तक वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी उसको ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी उस कली को ठीक है कली दबी हुई है उसके अंदर और ज़्यादातर जो ये विधि है जहाँ पे भी मौसम ड्राई रहता है शुष्क रहता है उस क्षेत्रों में इस तरीके से बडिंग की जाती है जिससे कि कली को सूखने से बचाया जा सके ठीक है उसके बाद लगभग जब ज्वाइन जूनियन कंप्लीट हो जाती है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो जो ऊपर वाली शाखा होती है शायन होता है ऊपर से सॉरी ऊपर से रूट स्टॉक होता है उसको ऊपर से काट देते हैं जिससे कि सारा का सारा न्यूट्रिशन या उसका सारा का सारा जो केंद्र ध्यान है ठीक है वो उस कली के ऊपर जाने लग जाए वहीं से वो फुटान ले ठीक इन दिस दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम ड्राइंग आउट एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट ठीक है इसके अलावा मैंगो है जैक फ्रूट है कैशोनट है इनके अंदर इसकी इस विधि से uh, जो बडिंग है की जा सकती है ठीक है पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है मोडिफाइड फॉरकर्ट बडिंग ठीक दिस मैथड इज ऑल्सो सिमिलर टू द फॉरकर्ट बडिंग ये भी बिल्कुल सेम मेथड है जैसा फोर कट अभी पिछला पहले वाला पड़ा है अपने इसमें करते क्या है इसमें जहाँ जो शाल जो पूरी की पूरी ऊपर तक अपने वैसी की वैसी रख ली इसमें शाल को आधा काट देते हैं बस कली के नीचे तक ही रहती है वो नीचे नीचे तक की उस कली की जो ग्रोविंग पॉइंट है वहाँ तक नहीं पहुँचती ठीक है तो वैसे ही पॉलीथीन स्ट्रिप से बांधा मतलब लगाई कली वैसी कली ली वैसे ही बांध दिया और इसमें कली का जो मुंह होता है जहां पे वो ग्रोथ कर रही होती है करने वाली होती है वहां से उसको खुला छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो ग्रोथ भी करे ठीक है और सारी प्रोसेस जितनी भी हैं इसकी सेम रहती हैं, ठीक थैंक यू